स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। तो हम अपनी क्लास थर्ड को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसके नए टॉपिक में, जो कि हमने साइंस से लिया है। इस बार साइंस से हमने रसायन विज्ञान को टारगेट किया है, जिसमें हमने रसायन विज्ञान से जो जो टॉपिक लिया है वो है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन होती क्या है? कार्बनिक क्या होता है? कार्बनिक वो होते हैं जो जीवधारियों से जो पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है वो कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रयोगशाला में जो कार्बनिक पदार्थ बनाया गया था, वो जो पदार्थ जो बनाया गया था वो था यूरिया। यूरिया एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ था जो सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था, और ये जो यूरिया जो बनाया गया था वो एक अकार्बनिक पदार्थ से बनाया गया था। किससे बनाया गया था? अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ कौन सा था? वो अकार्बनिक पदार्थ था अमोनियम साइनेट। तो एग्जाम में पूछता है कि भाई सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ जो प्रयोगशाला में बनाया था कौन सा था, तो आप बता सकते हैं यूरिया था। वो किससे बनाया गया था? तो किससे बनाया गया था? वो बनाया गया था अकार्बनिक जो पदार्थ है हमारा यौगिक है कौन सा है? अमोनियम साइनेट से। तो अमोनियम साइनेट से प्रयोगशाला में पहली बार यूरिया बनाया गया था, जो कि एक कार्बनिक यौगिक था। और किसने बनाया था? कभी कभी इसके साइंटिस्ट का नाम पूछ लेता है, तो उनका नाम था वोहलर। क्या नाम था? बोहलर। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं कि कार्बनिक रसायन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है वो? एक है एलिफैटिक और दूसरा है चक्रीय यौगिक। अब ये एलिफैटिक क्या है? एलिफैटिक होता है जो खुली श्रृंखला में होते हैं पदार्थ, यौगिक जो यौगिक खुली श्रृंखला में होते हैं वो कहलाते हैं हमारे एलिफैटिक, और जो बंद श्रृंखला में होते हैं वो कहलाते हैं चक्रीय यौगिक। तो एग्जाम से हमसे पूछ लेता है इसमें से कौन सा एलिफैटिक यौगिक है या कौन सा इसमें एरोमेटिक यौगिक है। तो एलिफैटिक यौगिक के बारे में जानते हैं, तो एलिफैटिक जो यौगिक है जैसे एथेन, मिथेन, प्रोपेन, एसिटिलीन, एथिलीन, ये सभी क्या है? ये है एलिफैटिक। पता कैसे चलेगा कि एलिफैटिक है? देखते हैं इनका। जैसे कि हमने बनाया क्या, मिथेन को लेते हैं। मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो CH4 को हमने देखा, सी लिखा एच, तो हमने देखा कि ये पूरा श्रृंखला जो है इसकी, जो मिथेन की, वो एक खुली श्रृंखला है। तो हम बता देंगे कि एलिफैटिक यौगिक है जो खुली श्रृंखला जिसकी बनती है। तो जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम पूछेगा कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपका एथेन, मिथेन, प्रोपेन, एसिटिलीन और एथिलीन, ये हैं आपके खुली श्रृंखला वाले। अब बात करते हैं चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक कौन से होते हैं? चक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सम और एक होता है विषम। सम को बोलते हैं होमोसाइक्लिक और विषम को यौगिक को बोलते हैं हेटरोसाइक्लिक। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। जो आपके जो ये होमोसाइक्लिक यौगिक हैं इसको भी दो भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? इसको बांटा गया एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो एग्जाम में क्या पूछेगा कि एरोमेटिक यौगिक कौन से हैं और एलिफैटिक कौन से हैं? एरोमेटिक वो होते हैं जो कि बंद श्रृंखला में होते हैं, बंद जिनकी श्रृंखला बंद होती है, मतलब वो खुली श्रृंखला में नहीं पाए जाते। जब उनके हम श्रृंखला बनाते हैं तो पूरा एक जाल सा बन जाता है जो कि एक बंद होता है, जैसे कि बेंजीन। बेंजीन की अगर हम श्रृंखला बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगी। इसका फॉस C6H6 होता है। अगर हम इसको देखेंगे तो इसको इस तरीके से बनाएंगे सी, देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए ये संख्या क्या है, एकदम से ये संख्या बंद है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? एरोमेटिक। जो संख्या बंद होती है वो एरोमेटिक, जो खुली संख्या होती है वो एलिफैटिक कहलाती है। और जो एरोमेटिक, कौन कौन से एरोमेटिक में होते हैं? एरोमेटिक जो उसमें होते हैं बेंजीन, फिनॉल, एनिलीन और क्लोरोबेंजीन। आपसे दे देगा, पूछेगा इसमें बताइए एरोमेटिक कौन सा है, एलिफैटिक कौन सा। आप बता सकते हैं कि एथेन, मेथेन और प्रोपेन, एसिटिलीन, एथिलीन, ये तो हैं आपके एलिफैटिक, और बेंजीन, फिनॉल, एथिलीन, क्लोरोबेंजीन, ये सब क्या है आपके? एरोमेटिक हैं। समझ में आया आपका एरोमेटिक और एलिफैटिक के बारे में। अब बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में एक ये भी एक बंद श्रृंखला है, क्योंकि ये जो चक्रीय यौगिक के अंतर्गत ही आती है। चक्रीय यौगिक के अंतर्गत कौन से आते हैं? जो यौगिक बंद श्रृंखला में पाए जाते हैं वो आते हैं आपके चक्रीय यौगिक के अंतर्गत। तो ये भी आपके एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, ये सब क्या है? एक एरोमेटिक टाइप के यौगिक हैं।
जो कि वन श्रृंखला में है। तो आपको सिर्फ एक देगा ये, आपको बस बताना है कौन एलिफैटिक है कौन एरोमेटिक है, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। अब बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संतृप्त और असंतृप्त। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि संतृप्त योगी कौन से होते हैं और असंतृप्त योगी कौन से होते हैं। इनकी एक पहचान होती है, जिन यौगिकों में एकल बंध मतलब एक ही बंध बनता है, दोनों के बीच में एक बंध लगता है, मतलब जैसे कि एक सी और सी है, इनके बीच में जो ये एकल बंध है ये अगर है तो वो क्या कहलाएगा, संतृप्त यौगिक। अगर ये डबल या ट्रिपल है तो ये कहलाएगा असंतृप्त यौगिक। जैसे हम बात करते हैं मिथेन की, तो हमने मिथेन लिया, CH4 होता है, तो CH4 में आपने देखा सब में क्या बना हुआ है, एकल बंध लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका एक, ये हो गया आपका संतृप्त। अब देखते हैं असंतृप्त, असंतृप्त कौन सा है आपका, एथिलीन। एथिलीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C2H4 होता है, तो ये C2 के बीच ये जो डबल बॉन्ड जो लगा हुआ है इसकी वजह से क्या है, असंतृप्त है। इसको इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, जिसमें ये डबल बॉन्ड पाया जाता है या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो कहलाते हैं आपके असंतृप्त यौगिक। और इसमें जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है देखिए वो भी असंतृप्त होते हैं, जैसे आपका एल्काइन का C2H2, तो इन ये इस तरीके से ये बनता है, ये जो बन ट्रिपल बन ये जो बॉन्ड बनाए ट्रिपल है इस वजह से असंतृप्त यौगिक है। अब इसमें ये पूछ लेता है, ये तो बात हुई संतृप्त यौगिक कौन से होते हैं असंतृप्त कौन से, तो आपको देगा एथेन मैथेन प्रोपेन ब्यूटेन लिखा हुआ है या एथिलीन एस्ट्रीन लिखा होगा, आपसे पूछेगा इसमें असंतृप्त या संतृप्त बताइए, तो आप बता देंगे कि संतृप्त कौन सा है असंतृप्त यौगिक कौन सा है। अब बात आते हैं एल्केन एल्कीन और एल्काइन ग्रुप की, जिन यौगिकों में एकल बॉन्ड बनता है तो वो तो होते हैं एल्केन ग्रुप के, और जिनमें डबल बॉन्ड बनता है वो कहलाते हैं एल्कीन ग्रुप के, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है वो कहलाते हैं आपके एल्काइन ग्रुप के। क्या पहचान की हमने, जिसमें हमारा सिंगल बॉन्ड बनता है वो होते हैं आपके एल्केन ग्रुप के, जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन ग्रुप के कहलाते हैं, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो आपके एल्काइन ग्रुप के कहलाते हैं। तो हमने अब तक जाना एलिफैटिक के बारे में, एरोमेटिक के बारे में, फिर जाना हमने संतृप्त के बारे में और असंतृप्त के बारे में। और एक और बात हमको याद रखना पड़ेगा, जो मिथेन है, मिथेन एल्केन ग्रुप का पहला सदस्य है, आपसे पूछ सकता है ये बताइए एल्केन का एल्केन ग्रुप का सबसे पहला जो यौगिक है वो कौन सा है, तो कौन सा होगा आपका, मिथेन होगा। इसी प्रकार एथिलीन पूछेगा, एथिलीन कौन सा है, तो ये कौन से उसका है, ये एल्कीन ग्रुप का है, और एसिटिलीन क्या, एल्काइन का है। तो अगर आपसे पूछे कि आपको दिया होगा इस तरीके से दे देगा कि एथेन मैथेन प्रोपेन, इनमें से ये बताइए एल्केन ग्रुप का प्रथम सदस्य कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि जो मिथेन है वो एल्केन ग्रुप का प्रथम सदस्य है। इसी प्रकार जो एथिलीन है वो एल्कीन ग्रुप का है, और जो एसिटिलीन है वो आपका एल्काइन ग्रुप का है। पहचान कैसे, जिसमें एकल बंध है वो आपका एल्केन है, जिसमें आपका डबल बॉन्ड है वो एल्कीन है, और जिसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो एल्काइन है। ये तो बात हुई हमारी संतृप्त और असंतृप्त के बारे में। अब इसमें से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन जिससे पुट ऑफ किया जाता है वो है बहुलीकरण। बहुलीकरण क्या होता है, ये कैसे प्राप्त किया जाता है, विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक प्राप्त की जाती है, संश्लिष्ट रेशे प्राप्त किए जाते हैं या संश्लिष्ट रबड़ प्राप्त की जाती है। प्लास्टिक में जो प्लास्टिक होती है, जो एथिलीन जो होती है, इसी से पॉलीथीन बनती है, तो जो एथिलीन है पॉलीथीन का बहुलक है। कभी कभी पूछ लेता है कि भाई पॉलीथीन का बहुलक क्या है, तो पॉलीथीन का बहुलक क्या है, एथिलीन उसका बहुलक है। अब इसमें हमसे पूछेगा कि प्लास्टिक भी दो प्रकार की होती है, एक होती है देखिए, एक होती है थर्मोसेटिंग और एक होती है थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिसको गर्म करने पर वो मुलायम हो जाती है और उसको किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। अगर रूप में ढालने के बाद अगर उसको पुनः द्वारा गर्म किया जाता है तो वो उसको फिर से भी उसको और अलग कोई सा अन्य रूप दिया जा सकता है, वो क्या होता है आपका थर्मोप्लास्टिक होता है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग होता है आपका, इसमें क्या होता है, ये गर्म करने में पिघल जाएगी लेकिन एक बार जब इसको रूप दे दिया जाएगा तो पुनः उसको उस अन्य रूप में उसको बदला नहीं जा सकता, तो वो इसकी क्या पहचान, थर्मोसेटिंग की। अब आपसे पूछेगा इसमें, आपको ऑप्शन देगा कि पॉलीथीन बेकेलाइट, इस तरीके से आपको देगा और पूछेगा कि इसमें ये बताइए थर्मोप्लास्टिक कौन सा है और थर्मोसेटिंग कौन सा है। तो जो थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं
पॉलीएथिलीन आता है, एथिलीन आता है आपका, पॉलीविनाइल क्लोराइड आता है आपका, उसके बाद टेफ्लॉन आता है और नायलॉन आता है। तो टेफ्लॉन के बारे में आप तो ये जानते होंगे कि जो नॉन स्टिक्स जो बर्तन बनते हैं, फैन जो बनते हैं, जिसमें हम मतलब ज़्यादा चीज़ें तेल की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, वो किस बात है टेफ्लॉन के बनाए जाते हैं, जो नॉन स्टिक इसको बोला जाता है, ना चिपकने वाले। समझ में आया कि जो थर्मोप्लास्टिक है, जिसको दोबारा गर्म करने के बाद भी अन्य रूप दिया जा सकता है, वो थर्मोप्लास्टिक, और थर्मोसेटिंग, जो एक बार जिसको रूप दे दिया उसको दोबारा से पूर्ण वो रूप में नहीं प्राप्त किया जा सकता, वो थर्मोसेटिंग। और इसके अंतर्गत कौन सा आता है, पॉलीएथिलीन, पीवीसी, टेफ्लान और नायलान। और इसमें थर्मोसेटिंग के अंतर्गत क्या आता है, बैकेलाइट, जो कि बनाई जाती है, बैकेलाइट जो बनाया जाता है प्रयोगशाला में, ये बनाया जाता है सोडा लाइम के साथ फिनाइल और फॉर्मेल्डिहाइड को गर्म कर। सोडा लाइम के साथ अगर हम फिनाइल और फॉर्मेल्डिहाइड को हम गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, बैकेलाइट प्राप्त होगा। समझ में आया आपके कि बैकेलाइट और ये थर्मोसेटिंग है, ये थर्मोप्लास्टिक है। इसके बाद बात करते हैं हम नियोप्रीन। कभी कभी पूछ लेता है कृत्रिम रबर कौन सी है, तो नियोप्रीन जो है वो कृत्रिम रबर है, और आइसोप्रोपीन जो है वो आपकी जो प्राकृतिक रबर कहलाती है। तो ये नियोप्रीन कृत्रिम रबर है, और आइसोप्रोपीन जो होती है वो आपकी कौन सी रबर कहलाती है, प्राकृतिक रबर कहलाती है। इसके बाद नायलान, नायलान जो है आपका ये मानव द्वारा संश्लिष्ट प्रथम रेशा है। कभी कभी पूछ लेता है, बताइए कि आपको दे नायलान दे देगा, नायलान के साथ आपको पॉलीथीन या कुछ तरीके से वर्ड दे देगा, और पूछेगा ये बताइए इसमें पहला संश्लिष्ट रेशा कौन सा है, तो आप कौन सा बताएंगे, नायलान जो है वो मानव द्वारा संश्लिष्ट प्रथम रेशा है। उसके बाद बात करते हैं रैक्सीन की। रैक्सीन भी एक कृत्रिम चमड़ा है, जो कि सेलुलोज, जो पेड़ पौधों से जो हमें प्राप्त होता है सेलुलोज, उससे बनाया जाता है रैक्सीन। तो आपसे ये तो ये हुआ नायलॉन की बात की, एक तो नियोप्रीन की बात की जो कि कृत्रिम रबर है, और आइसोप्रोपीन जो है वो एक प्राकृतिक रबर है। उसके अलावा नायलॉन के बारे में जाना, मानव द्वारा संश्लिष्ट प्रथम सर्वप्रथम रेशा है ये। उसका रैक्सीन किससे प्राप्त किया जाता है, पेड़ पौधों से जो प्राप्त सेलुलोज होता है उससे ये प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं हम रेयान की। ये भी क्या है, ये भी एक कृत्रिम ही है, और ये भी किससे प्राप्त किया जाता है, सेलुलोज से ही प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं हम ये जो गैसें हैं, जैसे मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के बारे में। तो सबसे पहले मिथेन के बारे में जानते हैं, ये हमने पहले ही हम जान चुके हैं कि एल्केन श्रृंखला का प्रथम यौगिक है, और इसके अंदर इसमें क्या पाया जाता है, इसमें एकल बॉन्ड पाया जाता है, और ये किसमें आता है, ये आता है आपका एलिफेटिक में। तो हम समझ गए मिथेन एलिफेटिक का है, एल्केन ग्रुप का है, और इसमें एक सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये तो हम नॉर्मल्स के बारे में जानकारी जान चुके हैं ये। और हाँ, एक कभी कभी पूछ लेता है कि मार्स गैस कौन सी है, तो मिथेन को ही मार्स गैस बोला जाता है। ये अधिकतर जो पाई जाती है, आपने सुना होगा कोयले की खानों में या कुओं से या प्राकृतिक गैसों में जो पाई जा प्राकृतिक जो गैस होती हैं या कुएं होते हैं उनमें ये पाई जाती है। अभी कौन सी गैस पाई जाती है, मिथेन गैस पाई जाती है। उसके बाद ये मैथिल एल्कोहल बनाने में भी काम करती है, जिसको हम वुड स्प्रिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वुड स्प्रिट बोलते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि मेथिल अल्कोहल को क्या कहते हैं, तो आप बताएं वुड स्प्रिट बोलते हैं। और मार्स गैस किसको बोलते हैं, आप बोल सकते हैं मिथेन को बोल सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कॉल माइन में कौन सी गैस पाई जाती है, आप तुरंत बता सकते हैं कि मिथेन गैस कॉल माइन में पाई जाती है। समझ में आया कि मिथेन के बारे में क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब देखते हैं हम एथिलीन के बारे में। अभी मैंने बताया था जो एथिलीन है, वैसे तो ये भी एलिफैटिक एलिफैटिक यौगिक ही है, लेकिन इसमें जो एथिलीन में क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आपका डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के कारण ये क्या है, ये है असंतृप्त। क्या है ये, असंतृप्त है। और ये क्या है, एल्किन श्रृंखला का फर्स्ट यौगिक है। किसका, एल्किन श्रृंखला का फर्स्ट यौगिक कौन है, एथिलीन। और एल्केन श्रृंखला का सबसे फर्स्ट यौगिक कौन सा है आपका, मिथेन। इसके बाद देखते हैं हम ये किस काम में आती है एथिलीन, ये आती है आपकी फल पकाने में। एक निश्चेतक जिसको हम बेहोशी कहते हैं, जो आपके ऑपरेशन या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपको बेहोश किया जाता है, जो क्लोरोफार्म भी इस तरीके के रूप में यूज़ की जाती है, तो ये भी एथिलीन भी इसका यूज़ किया जा सकता है। मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस क्या होती है, इसमें एक सरसों जैसी गंध आती है, अगर ये आपकी त्वचा के संपर्क में आती है तो उसे फफोले पड़ जाते हैं। तो इसका जो यूज़ किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया गया था। इसके बाद हम जानते हैं एसिटिलीन के बारे में। जैसे कि आपको बताया कि एसिटिलीन में क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ये भी एक असंतृप्त है, कार्बन है। तो इसका क्या, ये क्या होता है, ये एल्काइन श्रृंखला का फर्स्ट यौगिक है। इसके अलावा ये कपूर बनाने में काम करता है, बेंजीन के संश्लेषण में काम करता है, फल पकाने में काम करता है, और जो गैस वेल्डिंग होती है, गैस की जो वेल्डिंग होती है, यदि हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन को का मिक्सर करेंगे तो ये किसके काम आएगा, गैस वेल्डिंग के काम आता है।
तो इसमें हमने अब जाना कि भाई एथिलीन का क्या प्रयोग है, एसिटिलीन का क्या प्रयोग है, मैथेन का क्या प्रयोग है। अब हम जानेंगे जैसे कि एथेन कैसे, एथेन के क्या क्या फ़ायदे हैं, या जो अन्य जो गैसे हमारी जो गैसें हैं जैसे अल्कोहल है उसका क्या फ़ायदा है, देखते हैं। अब अभी हमने जाना था एथेन मैथेन और एसिटिलीन और एथिलीन गैस के बारे में। अब जानते हैं कुछ और चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है? जब हम एथिल एल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, उसे क्लोरोफॉर्म बनता है। एग्जाम में पूछा जाता है क्लोरोफॉर्म का फ़ायदा क्या होता है क्लोरोफॉर्म से, तो इसका प्रयोग जो आपकी सर्जरी की जाती है उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ के रूप में? आपको जो बेहोश किया जाता है, नीचेतक जो किया जाता है, वो क्लोरोफॉर्म के कारण किया जाता है। इसके बाद देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको हम पायरीन भी कहते हैं, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है अग्निशामक, अर्थात जो आग लगती है उस आग को बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पायरीन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फ्रान, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि सबसे ज़्यादा निकलती है आपके रेफ्रिजरेटर या एसी से। तो ये किसके लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है? तो ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है आपकी ओजोन परत के लिए। तो आपसे पूछ लेता है कि ओजोन परत के लिए कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है, तो कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि किससे निकलती है? आपके रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलती है। और हमने इससे पहले जाना कि जो आपका क्लोरोफॉर्म है उसका क्या प्रयोग है, वो किस में आती है काम? वो बेहोश करने के काम आती है। अब देखते हैं मैथिल एल्कोहल अभी आपने बताया था, इसको क्या बोलते हैं? वुड स्प्रिट भी बोलते हैं। और इसका क्या काम होता है? ये एक विषैला द्रव है जिसको पीने से आदमी क्या हो जाता है, जिसको ज़्यादा पीने से आदमी अंधा या पागल हो जाता है। आपने सुना होगा कि कुछ लोग शराब पीने से मर गए या अंधे हो गए, तो किसके कारण होते हैं? वो होते हैं मैथिल एल्कोहल के ज़्यादा सेवन करने के कारण वो अंधे हो जाते हैं। इसका वैसे प्रयोग भी किया जाता है जो कि इस प्रकार है, इसका प्रयोग परफ्यूम बनाने में किया जाता है, पेंट बनाने में किया जाता है, बार्निश बनाने में किया जाता है, इस तरीके में इसका मैथिल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं एथिल एल्कोहल की। एथिल एल्कोहल को बोला जाता है स्प्रिट ऑफ वाइन, जो कि मतलब जो हम शराब बनती है उसमें, उसको हम एथिल एल्कोहल भी कहते हैं, जो कि जौ, चावल, सेब, अंगूर और आपके गन्ने के रस के किण्वन के द्वारा तैयार की जाती है एथिल एल्कोहल। समझ में आया आप लोगों के? और इसका प्रयोग जो किया जाता है एथिल एल्कोहल का, जो आपके जैविक जो होते हैं, जैविक नमूने होते हैं उसके परिरक्षण में, मतलब उसके बचाव में, जिससे उसको सही से रखा जा सके, जिससे कोई हानि ना पहुंचे, तो उसमें इसका किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? उसके बाद बात करते हैं ग्लिसरॉल की। ग्लिसरॉल जो है, जिसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं हम लोग, इसका जो प्रयोग किया जाता है, अगर इसको हम नाइट्रिक अम्ल के साथ करेंगे तो इससे क्या बनेगा? टीएनजी का मतलब क्या है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ये टीएनजी क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। तो ग्लिसरीन से क्या बनता है? नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करने के बाद टीएनजी बनता है, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है। उसके बाद हम देखते हैं मैथिनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड। अभी हमने पहले इसमें थोड़े पहले हमने जाना था कि जब हम फिनॉल के साथ फॉर्मेल्डिहाइड को गर्म करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है? बेकेलाइट के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो इसका प्रयोग किया जाता है आपके फॉर्मेल्डिहाइड के या मैथिनॉल का प्रयोग, यूरिया के संश्लेषण में किया जाता है और यूरोट्रोपिन के निर्माण में किया जाता है। यूरोट्रोपिन क्या है? एक ऐसी मेडिसिन है जो कि गठिया का जो रोग होता है उसमें दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम फार्मिक एसिड या मैथेनॉइड जो फार्मिक एसिड होता है, आपने सुना होगा लाल चींटियाँ या जो भी डंक, जैसे कि मधुमक्खी के डंक या जो भी, जैसे ततैया या बर्ड भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है? फार्मिक एसिड होता है। इसका प्रयोग किया जाता है रबर बनाने में, गठिया रोग की दवा बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं क्या, हमने अभी देखा फार्मिक एसिड, देखा मैथेनॉल एसिड, देखा नाइट्रिक, ग्लिसरॉल के बारे में जाना। अब देखते हैं हम एसिटिक एसिड के बारे में। एसिटिक एसिड का क्या प्रयोग हो? सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, एसिटिक एसिड का क्या प्रयोग है? जो आपके खाद्य पदार्थ हैं उनके परिरक्षण में, मतलब उनके बचाव में, रख रखाव में सब किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम ऑक्जेलिक एसिड की। ऑक्जेलिक एसिड का जो प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है फोटोग्राफी में। उसके बाद कपड़ों पर जो जंग लगती है
उसके जो निशान होते हैं उसको हटाने में, और जो कपड़ों पर स्याही के निशान लगते हैं उसको हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं किडनी स्टोन, जो हमारी पथरी होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की ही बनी होती है, समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं बेंजीन, बेंजीन को जो बेंजीन क्या है, बेंजीन जो एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं उनका क्या है, जन्मदाता है एरोमेटिक यौगिक का, जो कि क्योंकि बेंजीन क्या है, मैंने अभी बताया था एक बंध श्रृंखला वाला यौगिक है। इसके बाद देखते हैं इसकी खोज फैराडे ने की थी, इसका प्रयोग किया जाता है ड्राई क्लीनिंग विस्फोटक पदार्थों बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखते हैं टालुइन, टालुइन भी क्या है, टालुइन का भी प्रयोग क्या किस में किया जाता है, आपका किया जाता है विस्फोटक पदार्थ बनाने में, कौन सा, ट्राई नाइट्रो टाइलोन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, टालुइन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम इसका प्रयोग और में भी किया जाता है, सैक्रीन जो कि बहुत ज़्यादा मीठी होती है, जो कि रोगियों को भी दी जाती है जो मधुमेह में होते हैं, मीठे के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग ड्राई क्लीनिंग में भी किया जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर इसको क्या कहते हैं, टालुइन को पेट्रोल और बेंजीन के साथ मिलाते हैं तो ये किसका काम करता है, एंटी फ्रीज का काम करता है। आपसे पूछ सकते हैं एंटी फ्रीज का काम कौन करता है, तो आप बता सकते हैं पेट्रोल प्लस बेंजीन प्लस टालुइन मिलकर किसका काम करते हैं, एंटी फ्रीज का काम करते हैं। उसके बाद देखते हैं सैक्रीन, वो अभी मैंने आपको बताया था कि टालुइन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। ये जो हमारी शुगर होती है चीनी, उससे भी 550 गुना क्या होती है, मीठी होती है, बहुत ज़्यादा मीठी होती है जो सैक्रीन होती है। उसके बाद बात करते हैं नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन को मिडमैन का ऑयल भी बोलते हैं, और ये किसमें इसका क्या प्रयोग करता है, ये ट्राई नाइट्रोबेंजीन जो कि एक विस्फोटक है पदार्थ है उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, समझ में आए आप लोगों के। उसके बाद देखते हैं एसिटो एसिड जो कि शुगर के मरीज होते हैं उनके यूरिन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटो एसिटिक एसिड। इसके बाद देखते हैं साइट्रिक एसिड, हम जानते हैं साइट्रिक एसिड जो होता है वो खट्टे फलों में मिलता है और अचार के परीक्षण, जो हमारे अचार या इस तरीके की चीज़ें बनती हैं उसके परिरक्षण में इसका काम होता है। उसके बाद देखते हैं लैक्टिक एसिड जो है ये पाया जाता है खट्टे दूध में, और जब कभी कभी आपने देखा होगा हम दौड़ते हुए थक जाते हैं या मांसपेशी हमारे दर्द होने लगता है, तो किसके कारण, मांसपेशियों में इस लैक्टिक अम्ल के जमे होने के कारण हमें थकान का अनुभव होता है। बहुत बार पूछा जाता है कि माँ हमें थकान का अनुभव क्यों होता है, तो क्यों होता है, लैक्टिक अम्ल के मांसपेशियों में जमने के कारण हमको थकान का अनुभव होता है। उसके बाद देखते हैं अशु गैस, जो मतलब जैसे जब भीड़ को तितर बितर करना हो या किधर कोई भगाना हो इस तरीके की यूज़ में की जाती है, कौन कौन सी होती है, ये होती है आपकी एक्रोलिन, इसके बाद होती है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल, कौन सी होती है, अल्फा क्लोरो एसिटो और फिनॉल। इसके बाद बात करते हैं एमआईसी होती है मिथाइल आइसोसाइनाइड, आपने मिक इसको मिक नाम भी बोलते हैं एमआईसी को, और इसको आपके बारे में जानते हैं जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी उसी में एक ये भी जहरीली गैस है जो कि हुई थी, घटना कब घटी थी, कभी कभी पूछ लेता है कौन सी ऐसी गैस थी जो भोपाल गैस त्रासदी में जिसका प्रयोग किया गया था, तो कौन सी थी वो प्रयोग नहीं किया गया था, मतलब वो जो गैस थी वो रिसने लगी थी जिसके कारण वो विस्फोटक हो गया था, तो कौन सी गैस थी, वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड जो कि घटना घटी थी 2 दिसंबर 1984 में। इसके बाद हम देखते हैं विस्फोटक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कभी कभी पूछ लेता है विस्फोटक कौन कौन से होते हैं, हमने जाना TNG भी होता है, TNG के बाद TNP भी होता है, TNP के बाद TNB के नाम ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ट्राइनाइट्रो क्या है ये गन पाउडर और अमाटोल, RDX, RDX से कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ले, RDX का नाम क्या है, तो RDX को हम क्या बोलते हैं, साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन, तो कभी कभी इसका नाम पूछ लेता है। अब आगे चलते हैं हम इसके और चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, क्लोरोफार्म में हमने जाना कि एथिल अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करने में बनता है, फिर हमने पायरीन के बारे में जाना पायरीन जो है वो अग्निशामक मतलब आग बुझाने के काम में आता है। उसके बाद हमने जाना CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि रेफ्रिजरेटर और आपके AC से जो गैस निकलती है और सबसे ज़्यादा हानिकारक किसके लिए, ओजोन परत के लिए होती है। इसके बाद हमने जाना मैथिल अल्कोहल,
जिसको वुड स्प्रिट भी बोलते हैं, जो कि एक जहरीली द्रव, जो कि बहुत ही विषैला द्रव है और इसके ज़्यादा सेवन करने से आदमी अंधा हो जाता है। उसके बाद हमने जाना एथिल अल्कोहल, जो कि यह स्प्रिट ऑफ वाइन है, जो कि चावल इसके सबके किससे मिलती है, किडवन के द्वारा प्राप्त होती है। फिर हमने जाना फार्मेल्डिहाइड की के बारे में, जो हम जानते हैं कि यूरिया को फार्मेल्डिहाइड के साथ जब मिलाते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, बैकेलाइट मिलता है। ये जाना बैकेलाइट, हमने ये भी जाना बैकेलाइट क्या है, थर्मो सेटिंग है। इसके बाद हमने जाना एसिटिक एसिड के बारे में, ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके परिरक्षण में काम आता है। उसके बाद जाना हमने ऑक्सैलिक एसिड के बारे में, जाना कि भाई ये फोटोग्राफी में काम करती है, इससे जो हमारे जंग के और छाई के धब्बे होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। इसके बाद हमने जाना कि जो हमारी किडनी में जो स्टोन होता है, पथरी जिसको हम बोलते हैं, वो किसके जमाव के कारण होता है, कैल्शियम ऑक्सैलेट के कारण होता है। इसके बाद हमने जाना बेंजीन के बारे में, ये एक एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता बोला जाता है और इसे विस्फोटक पदार्थ ही बनाए जाते हैं और सैक्रिन के निर्माण में या ड्राई क्लीनिंग में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद हमने जाना नाइट्रोबेंजीन, जो इसको मिरमेन का तेल भी बोलते हैं। फिर जाना टीएनबी के बारे में, जिसको हम ट्राइनाइट्रोबेंजीन बोलते हैं, जो कि एक विस्फोटक होता है। इसके बाद लैक्टिक अम्ल के बारे में जाना, लैक्टिक अम्ल क्या होता है, खट्टे दूध में पाया जाता है, इसके जमाव के कारण मांसपेशियों में थकान का हम अनुभव होता है। उसके बाद जाना कि अश्रु गैस कौन कौन सी हैं, नेक्रोलीन है, उसके बाद कौन कौन सी नेक्रोलीन है, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल है। उसके बाद जाना हमने मिक, जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब चलते हैं, थोड़ी और जानकारी लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्य है के बारे में, जो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का भी प्रयोग जो किया जाता है वो किस में किया जाता है, वो किया जाता है खाद्य परिरक्षण में। और हाँ, सोडियम बेंजोएट का भी किया जाता है और बेंजोइक जो एसिड होता है उसका भी प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, खाद्य परिरक्षण के रूप में किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम एथिल ग्लाइकॉल। एथिल ग्लाइकॉल क्या है, एथिल ग्लाइकॉल जो है वो एक एंटी फ्रीज है। समझ में आया क्या है ये, एथिलीन ग्लाइकोल क्या है, एक एंटी फ्रीज है। उसके बाद जानते हैं आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म क्या है, एक एंटीसेप्टिक है। इसके बाद देखते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक जो एसिड है ये क्या है, ये दर्द निवारक दवा का इससे निर्माण होता है। कभी कभी पूछ लेता है ऐसा कौन सा है, वो एसिड है जिससे दर्द निवारक दवा का निर्माण होता है, तो कौन सा है, वो सैलिसिलिक एसिड है। इसके बाद देखते हैं एथिल मरकैप्टन, ये मर क्या है, जो एलपीजी जो गैस में जो स्मेल आती है उसके रिसाव का पता चल जाता है कि यहाँ से गैस रिसाव हो रही, किसके कारण पता चलता है, एथिल मरकैप्टन के कारण इसका पता चलता है। उसके बाद देखते हैं इथेफोन कैल्शियम कार्बाइड, ये किसका, इसमें इनका क्या प्रयोग होता है, तो इनका प्रयोग होता है फल पकाने में। कभी कभी पूछ लेता है कैल्शियम कार्बाइड का क्या प्रयोग है, कैल्शियम का क्या प्रयोग है, फल पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब आगे चलते हैं पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग क्या है, पॉलीकार्बोनेट का जो प्रयोग होता है वो होता है बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में। जो बुलेट प्रूफ जो ग्लास होते हैं जो गाड़ियों में प्रयोग किए जाते हैं, वो किसके बनाए जाते हैं, पॉलीकार्बोनेट के बनाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं मच्छर भगाने की जो कॉइल या ये दवा जो बनती है किसकी होती है, वो एलिथ्रीन और पायरेथ्रीन की बनी होती है। समझ में आया किसकी, एलिथ्रीन और पायरेथ्रीन की। अब बात करते हैं टेट्रा एथिलेड, इसका क्या कार्य है, टेट्रा एथिलेट का क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है, इस पहले तो इसको पेट्रोल में मिलाया जाता है और ये क्या काम करता है, जो आप स्फोटन की जो दर है उसको क्या करता है, ये कम कर देता है। इसके बाद देखते हैं एस्बेस्ट्रा है, इसका क्या प्रयोग है, जो अग्नि जो आग जिससे वो बस बनाए जाते हैं जो कि आग में भी ना जले, तो वो किसके बनाए जाते हैं, वो बनाते हैं एस्बेस्ट्रॉस के बनाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड का क्या प्रयोग है, टार्ट्रिक एसिड का प्रयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयोग होता है इसका। उसके बाद कभी कभी पूछ लेता है टैनिक एसिड कहाँ पाया जाता है, टैनिक एसिड किस में मिलता है हमको, चाय में। टैनिक एसिड किस में पाया जाता है, चाय में पाया जाता है। एक और बात, एस्प्रिन, एस्प्रिन जो है एक दर्द निवारक है जो कि वृक्ष के लैक्टस से प्राप्त किया जाता है। इसका एक अन्य नाम भी है जो है एसिटिल सैलिसिलिक। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, इसका नाम पूछ लेता है हमसे सीधा, तो क्या नाम है इसका, एसिटिल सैलिसिलिक। उसके बाद देखते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड, कभी कभी कहता है पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या काम है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का जो काम है वो है एक शांतिकारक औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कुछ और दो एक दो पॉइंट और हैं, जैसे मॉर्फिन, मॉर्फिन क्या है, एक दर्द निवारक है, दवाई है। इसके बाद एक हाँ, कभी कभी पूछ लेता है सबसे पहले एंटीबायोटिक क्या था, पहला सबसे पहला तो क्या था, वो पेनिसिलिन था, जो कि बनाया था किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कभी कभी इसका नाम पूछ लेता है,
समझ में आया? एंटीबायोटिक सबसे पहला किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, और इसका नाम क्या था? पेनिसिलिन था। उसके बाद कभी पूछ लेता है जो बुलेट प्रूफ पदार्थ, जैसे हमने भी यहाँ पे पढ़ा था बुलेट प्रूफ कांच किसका था बना हुआ था, वो बनाया था पॉलीकार्बोनेट का। और कभी कभी पूछ लेता है बुलेट प्रूफ पदार्थ किसका बना होता है, वो बना होता है पॉलीएमाइड का। इसके बाद देखते हैं प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ किसको बोलते हैं? आइसोप्रीन को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक रबड़ बोलते हैं। कृत्रिम किसको बोलते हैं? नाइप्रोइन को, मैंने बताया था आपको। तो इसमें एक बार उसका देखते हैं क्या क्या इसमें हमने पढ़ाया। सोडियम बेंजोएट बताया कि खाद परीक्षण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। एक और बताया बेंजोइक अम्ल का भी प्रयोग खाद परीक्षण के रूप में किया जाता है। उसके बाद बताया एथिल एल्काइल जो एंटी फ्रीज होता है, आयोडोफॉर्म जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, सैलिसिलिक जो एसिड होता है वो दर्द निवारक दवा के निर्माण में प्रयोग होता है। उसके बाद बताया जो एथिल मरकैप्टन होता है जो एलपीजी गैस का रिसाव होता है उसके बारे में इसका पता चलता है। उसके बाद मैंने बताया जो फल पकाते, किसके कारण फल पकते हैं? एथेफान और कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा भी फलों को पकाया जाता है कृत्रिम तरीके से। उसके बाद पॉलीकार्बोनेट बताया मैंने कि ब्लड प्रूफ ग्लास के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। फिर हमने बताया एलिथ्रीन और पायरेथीन क्या है, मच्छर भगाने की जो दवाई बनती है उसका इनके द्वारा बनती है वो। उसके बाद हमने बताया जो टेट्रा एथिल लेड है उसका काम क्या होता है, ये पेट्रोल में मिलाया जाता है और ये अब स्फोटन की दर को कम कर देता है। फिर हमने बताया टार्ट्रिक एसिड बेकिंग पाउडर बनाने में टार्ट्रिक एसिड का प्रयोग होता है, चाय में टैनिक एसिड भी होता है। एस्पिरिन एक दर्द निवारक है जो कि वृक्ष लट्टक से प्राप्त की जाती है, इसका जो नाम है वो एसिटिल सैलिसिलिक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पोटेशियम ब्रोमाइड जो है एक शांतिकारक औषधि है। उसके बाद हमने जाना कि मॉर्फिन जो एक दर्द निवारक है। फिर हमने एक और जाना जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एक एंटीबायोटिक बनाया था जो कि इसका नाम क्या था? पेनिसिलिन था। इसके बाद जाना ब्लड प्रूफ पदार्थ किसका बना होता है? पॉलीएमाइड का बना होता है। फिर हमने जाना प्राकृतिक रबड़ किसकी, प्राकृतिक क्या कौन सी होती है? वो होती है आइसोप्रीन। तो हमने इसमें सबसे मोस्ट बिंदुओं को इसमें हमने समावेश किया इस क्लास में, जो कि एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और हमने इसमें पूरे जो आपकी कार्बनिक रसायन है उसको पूर्ण रूप से लेने की कोशिश की है, और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए भी हैं। अगर आपको हमारे क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और आपको लगता है कि हम जो आपको पढ़ाना चाहते हैं और उसको सही रूप से उसको आपको दे रहे हैं, मतलब समझा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी क्लास, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इससे जोड़िएगा।